बट आज आईटीसी थोड़ा फिसला हुआ है, इसके चार्ट पर एक राय लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी देखे सर, आईटीसी लगातार नीचे ही ट्रेंड कर रहा है, जब से वो डीमर्जर की खबर आई उसके बाद नंबर्स पर थोड़ा एक्शन हुआ, उसके बाद ये वापस फिसल रहा है, 440 पर आ गया, क्या व्यू बनता है सर आईटीसी पे? दीपांशु, इसके अंदर थोड़ा और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हुए हैं और स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि 430 425 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार के लिए इसमें लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, 430 425 के लेवल आईटीसी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा और 425 तक के लेवल्स आपको आईटीसी पे आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि थोड़ी परेशानी आज आईटीसी में आपको बनती हुई दिख रही है। परेशानी तो जानेंगे आरईसी शेयर को लेकर। जी बताएं सर, बाय का स्टॉक है एनर्जी, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 233 रुपया, 233 रुपया 10 पैसा, 233.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड, आरईसी के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगले साहब ने अभी पीएफसी दिया, आरईसी भी यहाँ पे ब्रेकआउट है, स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, वन वे अप मूव देखने को मिल रहा है। आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसके अंदर लास्ट तीन दिनों के जो साइडवेज मूव था उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो आरईसी के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आज और आने वाले दिनों के लिए आरईसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करे। 225-227 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 225 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 240 रुपए का, दूसरा टारगेट 245 रुपए का। जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये 250 का लेवल भी क्रॉस करेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए 240 और 245 को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें आरईसी 225 के स्टॉप लॉस से। आरईसी इस पर करें खरीदारी 225 के स्टॉप लॉस के लिए। आईआरएफसी के 1,00,000 शेयर ने लिया 29 रुपए के भाव पे। बेसिकली पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि काफी अच्छे शेयर तो अच्छे क्वांटिटी में और एंट्री लेवल काफी अच्छी रही है इनके सभी स्टॉक में। तो मेरी आईआरएफसी में एक जो मार्केट में रूमर चल रहा है कि ओएफएस के आएगा, वहां जहाँ की गवर्नमेंट अपनी थोड़ी होल्डिंग कम कर सकती है, उसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आए आज देखने मिला हमें। मुझे लगता है कि एक बार ओएफएस होने के बाद जब ये फिर से बाउंड बैक करेगा उस वक्त में मे बी इन द रेंज ऑफ 55-60 वहां थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। और जो अलग जो दूसरी रेलवे कंपनीज हैं जैसे आरबीएनएल है, रेलटेल है, जहां मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वहां शिफ्ट हो सकते हैं, और टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक में मेरी। तो अफात खान जी, सबसे पहले तो आपको अच्छा मुनाफा रहा है और आपने धैर्य से तमाम शेयर को होल्ड किया, इसके लिए बधाई हो। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार मुनाफा को देखने का मजा नहीं है, मुनाफा घर में आना बहुत जरूरी है, इसके लिए मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और यही राय जो है समीर ने आईआरएफसी को दिया है, वहां आप थोड़ा ऊपर आता है ये शेयर 55-54 के जोन में थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और फिर आपको स्विच कर सकते हैं दूसरे रेलवे स्टॉक्स पर जिसपे उन्होंने राय दी है।